गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथ। डियर लर्नर, वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 5, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आज हम लोग पेज नंबर 77 पर सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट है क्या? तो सर्किल मीन्स होता है वृत्त और ग्राफ मीन्स होता है आलेख, वृत्त आलेख और पाई चार्ट। जैसे जो आंकड़े हमको मिलते हैं, जैसे इसके पहले वीडियो में हमने ये सीखा कि जो डाटा हमको मिलता है उस डाटा को, वो रॉ डाटा होता है, हमको फिर रीअरेंज करना पड़ता है। जब हम उस डाटा को रीअरेंज करते हैं तब उस डाटा को देख करके ही हम जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तुरंत हम उनका आंसर दे पाते हैं। कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा का जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनका व्यवस्थित होना ज़रूरी है। तो आज जो डेटा हमारे पास आ रहे थे, इसके पहले हम वो बार ग्राफ के रूप में, पिक्टोग्राफ के रूप में बनाया, पिक्टोग्राफ बनाया, फिर वो बार ग्राफ बनाया, बार ग्राफ बना करके फिर आज हम लोग वो पाई चार्ट के रूप में डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा, फिर पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग इसके बारे में सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये सर्किल ग्राफ या वृत्त आलेख या पाई चार्ट क्या होता है, इसको और इसको देख करके हम जो प्रश्न हैं हमारे उसके उत्तर हम कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट को बनाना सीखेंगे। तो हैव यू एवर कम अक्रॉस डाटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म एज शोन? क्या आपके सामने कभी वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं? क्या आपके सामने कभी वृत्त के आकार में आंकड़े देखने को मिले हैं? तो देखिए, ये दिया गया है वृत्त के रूप में जो आंकड़े हैं। जैसे अभी तक बार ग्राफ के बारे में आपने वो देखा था, ये हिस्टोग्राम है, आयतचित्र है, आयतचित्र के रूप में वो ग्राफ को देखा था। आज आपको ये वो पाई चार्ट के रूप में, पाई चार्ट या सर्किल ग्राफ के रूप में आंकड़े दिए गए हैं। ये टाइम स्पेंड बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, तो एक बच्चा दिन में जो समय व्यतीत करता है, जो टाइम दिन भर का जो 24 घंटे का समय है, वो जो टाइम व्यतीत करता है अलग अलग कामों के लिए, उसका ये पाई चार्ट सर्किल ग्राफ दिया गया है। दीज आर कॉल्ड सर्किल ग्राफ। इसे इस निरूपण को, इस जो आंकड़े निरूपित किए जा रहे हैं, इस निरूपण को वो सर्किल चार्ट या सर्किल ग्राफ कहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सर्किल ग्राफ। ये सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। तो सर्किल ग्राफ होता क्या है? कह रहा है कि ये सर्किल ग्राफ शोज, एक सर्किल ग्राफ दिखाता है, क्या दिखाता है? द रिलेशनशिप, रिलेशन मीन्स संबंध दिखाता है। एक सर्किल ग्राफ संबंध दिखाता है, किस में संबंध दिखाता है? बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। तो होल मीन्स पूरा, और उसका जो अंश होता है, जो उसके भाग होते हैं, उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो सर्किल ग्राफ है क्या? सर्किल ग्राफ एक रिलेशनशिप है। किसके बीच रिलेशनशिप है, किसके बीच का संबंध है? होल और उसके पार्ट के बीच का, पूरा और उसका जो अंश है, उसका जो भाग है, उसके बीच जो संबंध है, उसको सर्किल चार्ट दिखाता है, सर्किल ग्राफ दिखाता है। हियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इंटू सेक्टर्स। तो यहाँ पर जो संपूर्ण वो सर्किल है, उसको सेक्टर में बांटा गया। सेक्टर मतलब होता है ये
खंड ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस रेडियस जो रेडियस के वो रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या का खंड है, ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये रेडियस के खंड हैं। तो जो रेडियस के खंड हैं, डियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इंटू सेक्टर्स, तो ये सेक्टर क्या हैं, रेडियस के खंड हैं, टुकड़े हैं। द साइज ऑफ ई सेक्टर इज प्रोपोर्शनल, द साइज ऑफ ई सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इज इट रिप्रेजेंट। तो ये दिखाता क्या है, तो प्रत्येक जो त्रिज्या का खंड है, रेडियस का खंड है, वो साइज या माप द्वारा निरूपित करता है जो उसका वो क्रियाकलाप है। जैसे लड़के का क्रियाकलाप वो 8 आवर स्लीप का है, तो ये क्या दिखाएगा, उसका पोर्शन, होल जो टोटल है उसका कितना पोर्शन है, कितना भाग है। फॉर एग्जांपल द एबव ग्राफ द पोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग। तो यहाँ पर एक बच्चा जो सोने में समय अपना व्यतीत कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स होल डे, तो सोने में वो कितने घंटे को व्यतीत करता है, और होल डे पूरा दिन कितने का है, 24 घंटे का है। तो सोने में वो कितने आवर खर्च करता है, 8 आवर खर्च करता है। तो 8 आवर अपॉन होल डे 24 आवर है, तो इज इक्वल टू 1/3 है। सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्किल, सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट स्कूल। तो जैसे बच्चा जो है वो 6 घंटे जो है वो स्कूल में व्यतीत करता है, तो इसका कितना पोर्शन बनेगा, होल का कितना पोर्शन लिया जाएगा, नंबर ऑफ स्कूल आवर अपॉन होल डे, तो स्कूल में वो 6 घंटे बिताता है अपॉन होल डे 24 आवर है, तो 1/4 पार्ट होगा इसका। नेक्स्ट, सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन 1/4 ऑफ द सर्किल, सिमिलरली द साइज ऑफ द अदर सेक्टर कैन बी फाउंड एड अप द फ्रैक्शन फॉर ऑल द एक्टिविटीज, डू यू गेट द टोटल एज 1। तो जितनी भी एक्टिविटी बच्चे ने किया है, देखिए जैसे पेज नंबर 77 पर, जो अभी आपने देखा है कि होल एक्टिविटी जितना भी है, जैसे वो सोने में 1/8 सोने का 1/3 वो पोर्शन त्रिज्यखंड लिया है, और स्कूल में 1/4 लिया है, तो प्ले का वो निकालेंगे। जैसे यहाँ पर है 8th मैथ, यहाँ पे 8th मैथ, जैसे देखिए जो ये सर्किल है, जो इस सर्किल में ये एक सर्किल है, तो इसमें इस सर्किल में जो अभी जैसे हमने वो 8 आवर ऐसे ही बिना वो हम इसको किए, जैसे ये सर्किल है, इसमें ये पहले से हमको दिया गया है कि ये 8 आवर जो है वो स्लीप का है, ये स्लीप है, स्लीप सोता है 8 आवर है, स्कूल का 6 आवर है। अभी हम आपको ये बताएंगे, ये ऐसे नहीं खींचना है,
अभी तो हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसके बाद हम अभी आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। ये प्ले का है, PLAY प्ले, एक रफ डायग्राम हम आपको अभी दे रहे हैं। अभी हम इसका ओरिजिनल कैसे वो पाई चार्ट बनाती है वो बता रहे हैं। HOUR होमवर्क, फोर आवर होमवर्क। तो एक लड़का है जो 24 घंटे का जो टाइम है, 24 घंटे का टाइम वो ऐसे वो स्पेंड कर रहा है, 8 आवर, HOUR 8 आवर। तो 8 घंटे सोता है, 6 घंटे स्कूल में व्यतीत करता है, 3 घंटे खेलता है, और भी इसमें है वो 3 आवर अदर एक्टिविटीज़ का है, 3 आवर अदर एक्टिविटीज़, OTHER वो 3 आवर है, 3 आवर अदर एक्टिविटीज़ का है। आप देखिए अगर हम सबको जोड़ लें तो वो कितना बनेगा, 24 घंटे बनेगा। जैसे देखिए 8 आवर, 6 आवर, 8, 6, 3, 4 और 3। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20, 20 और 4 मिलके कितना हो गया, 24 आवर है। तो आप जैसे 24 आवर में जैसे 8 आवर वो स्लीप में सोने का 8/24, तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 1/3 हो गया स्लीप का। और स्कूल का SCHOOL स्कूल का कितना हो गया, स्कूल का 6 है तो 6/24 हो गया, 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24, तो 1/4 हो गया। और प्ले का कितना होगा, PLAY प्ले का कितना हो गया, प्ले का 3 है, 3 घंटे खेला, ये 24 से डिवाइड करेंगे तो जो टोटल है। अभी तो हमने ये पाई चार्ट कहा कि वो पाई चार्ट होता क्या है, एक रिलेशनशिप है, पाई चार्ट एक रिलेशनशिप है, जो एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, जो एक्टिविटी चाहे बच्चा एक्टिविटी कर रहा है या किसी चीज़ का आप पाई चार्ट बना रहे हैं, तो जो एक्टिविटी हो रही है उसका और टोटल का जो रिलेशनशिप होता है वही पाई चार्ट होता है। तो ये 3 × 3 और 3 × 8 = 8 तो 1/8 है। तो ये प्ले का हो गया। और फिर होमवर्क का कितना हो जाएगा, ये 4/24, 4 × 4 और 4 × 6 = 24, 1/6 हो गया होमवर्क का। और अदर का कितना होगा, अदर का कितना हो जाएगा, 3/24, 3 × 3, 3 × 8 = 24, 1/8 होगा। तो देखिए जब हम इसको टोटल को ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा, जैसे 1/3 + 1/4 + 1/8 + 1/6 + 1/8 जब हम इसको टोटल करेंगे ये तो टोटल कितना आएगा, टोटल 1 होगा। आप टोटल करके देख लेंगे टोटल इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमको पाई चार्ट बनाना है, कैसे हम पाई चार्ट बनाएंगे, ये जैसे बच्चा सोने में 8 घंटा लगाता है और स्कूल में 6 आवर लगाता है और प्ले में 3 आवर लगाता है, होमवर्क का 4 आवर लगाता है और अदर का
थ्री है, तो हम इस पाई चार्ट को कैसे बनाएंगे? इस पाई चार्ट को कोई भी रेडियस का, देखिए कोई भी रेडियस का एक आप सर्किल खींच लीजिए, चाहे पहले एक चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, तो उसमें एक चार्ट आप बना लेंगे तो उससे आपको सुविधा रहेगी। तो कितना, जैसे यहाँ पर एक वो कॉलम बना लीजिए, आप लिखेंगे जैसे वो एक्टिविटी, यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रेन एक्टिविटी या चाइल्ड एक्टिविटी, आप एक कॉलम बना लीजिए चाइल्ड एक्टिविटी, फिर दूसरा कॉलम आप बनाइए चाइल्ड एक्टिविटी के बाद पूर वो उसका फ्रैक्शन, एक चाइल्ड एक्टिविटी का बनाइए फ्रैक्शन का बनाइए, फिर फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। तो चाइल्ड एक्टिविटी का है, जैसे चाइल्ड एक्टिविटी में पहला क्या है, स्लीप, SLEEP, स्लीप में वो फ्रैक्शन कितना आया, स्लीप का फ्रैक्शन कितना है, 1/3, तो 1/3 है, तो इसको 360 में मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 0, ये कितना आ गया, 120 आ गया, ये स्लीप का हो गया। और स्कूल का स्कूल का कितना हो जाएगा, स्कूल का आपने निकाला कितना है, 1/4 निकाला है, 1/4 तो 360 मल्टीप्लाई 1/4 तो 4 9 36, 90 डिग्री, ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ये 120 डिग्री हो गया, ये स्कूल का हो गया। प्ले का, प्ले खेलने का कितना है, 1/8 है, प्ले 1/8 है तो 360 मल्टीप्लाई 1/8 तो ये कितना हो जाएगा, 360 में 8 का डिवीज़न करेंगे तो कितना होगा, 360 में 8 का डिवीज़न, 8 4 32, और 6 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, ये कितना का हो गया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 45 आएगा, ये 45 डिग्री का हो गया। प्ले का हो गया, प्ले के बाद क्या है, होमवर्क है, तो प्ले के बाद दिया गया है, प्ले के बाद अदर का दिया गया है, प्ले के बाद वो अदर, प्ले के बाद अदर का है, अदर में 3 है, अदर में दिया गया है, प्ले के बाद अदर है, तो अदर में भी 1/8 है, अदर्स में 1/8 आया है, तो 360 मल्टीप्लाई 1/8, ये भी कितना आएगा, 45 आएगा, ये 45 डिग्री हो गया। और अदर के बाद क्या है, होमवर्क का है, होमवर्क का कितना आया है, होमवर्क का 1/6 है, होमवर्क का 1/6 है तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1/6 तो 6 6 36, 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो गया।
तो आप देखिए, जैसे ये आपने एक चार्ट बना लिया है, अब इसकी सहायता से आप ये पाई चार्ट बनाएंगे, किसी भी रेडियस का, किसी भी रेडियस का एक सर्किल खींच लीजिए, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उस रेडियस का एक आप सर्किल खींच लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ये पाई चार्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने एक सर्किल ये खींच लिया है, अब एक रेडियस, कोई भी रेडियस आप खींच लीजिए, जैसे हमने ये एक रेडियस वो खींच लिया है, ये रेडियस हमने खींच लिया है, ये सर्किल का ओ ए है, ये ओ ए, ओ ए हमने खींच लिया है। आप देखिए, जैसे हम स्लीप का पहले दिखा रहे हैं 120, तो ये 120 का हम इस पर एंगल बनाएंगे, 120 का इस पर वो प्रोटेक्टर से 120 का एंगल बनाएंगे। जैसे इधर से आप गिनेंगे तो ये 10 20, यहाँ 90 रहता है, 90 के बाद क्या हो गया, 100 हो गया, 100 के बाद 10 और 20, यहाँ क्या हो गया, 120 19, फिर 100, फिर 10, 110, 120 का हो गया। अब ये 120 को हम ऐसे मिला देंगे, 120, अब आप इसको लिख देंगे, ये कितना हो गया, इसका स्लीप का हो गया, स्लीप 8 आवर, स्लीप 8 आवर का हो गया। अब स्कूल का हम दिखाएंगे, इसके बाद स्कूल का दिखा रहे हैं 90 डिग्री का, तो इस पर हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस जो ये लाइन आप खींचे हैं इसी लाइन पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पिछली कक्षाओं में तो एंगल बनाना आप सीखे ही हैं, तो इसके सेंटर पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आप सेंटर पर ये जो लाइन आपकी है इसी लाइन पर आपको 90 डिग्री का एंगल वो बनाते हुए एक रेडियस खींचना है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, और ये 90 डिग्री है किसका, स्कूल का है, तो ये क्या होगा, स्कूल का है, ये कितना आवर है, स्कूल का 6 आवर है, 6 आवर, 6 आवर्स, 8 आवर्स। तो अब ये 90 डिग्री का हो गया, फिर प्ले का हमको दिखाना है पाई चार्ट में 45, तो ये लाइन पर हम कितने डिग्री का बनाएंगे, 45 डिग्री का बनाएंगे। तो जिधर से आपको एंगल बनाना है, इधर ये लाइन जीरो पर रहनी चाहिए, जीरो पर रहेगी, यहाँ से गिनेंगे 10 20 30 40, और ये 45 हो गया, 45 डिग्री का हमको बनाना था। अब ये 45 डिग्री का हम इस पर वो रेडियस का, 45 डिग्री का रेडियस इस पर एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, ये लाइन सेगमेंट हो गया 45 का, और ये 45 किसका है, प्ले का है, PLAY प्ले का है, और ये कितना आवर है प्ले का, 3 आवर है, 3 आवर, 3 आवर्स प्ले का हो गया। प्ले के बाद 3 आवर्स कितने का, अदर का है, तो 45 डिग्री ये भी है, इस पर भी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री हम इस पर भी 45 डिग्री ही खींचेंगे, इस पर हमने, जैसे देखिए यहाँ जो ये लाइन होती है
इधर से आप वो दोनों तरफ दिए रहते हैं, लेकिन जिधर से आप एंगल बना रहे हैं इधर से ही जहाँ ये 180 आपकी लाइन 180 लिखा रहता है, और यहाँ से ही आप इसको मिलाएंगे और इधर से ही गिनना शुरू करेंगे। हमको 45 बनाना है तो 10, 20, 30, 40 और 45। देखिए ये क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 45 का ये हो गया। अब ये 45 का हम ये एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और ये क्या होता है रेडियस, ये लाइन सेगमेंट का स्पेशल नाम क्या है, सर्किल के अंदर है तो इसका नाम क्या बनेगा, रेडियस। इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और ये प्ले के बाद क्या है, अदर का है, ओ टी एच ई आर, अदर का है, वो कितना है, 3 आवर है, 3 आवर्स, 3 आवर्स। तो अब अगर आप ये नापेंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री क्या होता है, होमवर्क का है, चाहे तो नाप कर आप देख लीजिए और नहीं भी नापेंगे तब भी ये ऑलरेडी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, चाहे तो आप नाप करके देख लीजिए ये कितना है, ये 60 डिग्री का ऑलरेडी है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 डिग्री का ये है। तो ये क्या है, होमवर्क का है, आप इस पे लिख दीजिए होमवर्क, होमवर्क। और ये कितना, होमवर्क में कितना घंटा लगाता है, होमवर्क का है इसका 4 आवर, 4 आवर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पाई चार्ट बनाना सीख रहे हैं, तो पाई चार्ट बनाने के लिए जो भी, जैसे पाई चार्ट होता है, आपने देखा कि पाई चार्ट होता क्या है, पाई चार्ट एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है सर्किल ग्राफ, या पाई चार्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। तो टोटल और उसके पार्ट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक सर्किल के अंदर दिखाया जाता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, तो आप जो टोटल होता है उसमें जो जो एक्टिविटी उसकी है वो कितनी है, उसका क्या करेंगे, पहले उसका पार्ट निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, जैसे टोटल सबसे पहले पता करेंगे टोटल कितने का है। उस टोटल में जैसे कोई भी काम है, जैसे जैसे टीचर का टेस्ट का ही है, या मान लीजिए वो स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है उसका, उसमें बच्चे कितना खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना दौड़ में भाग ले रहे हैं, कितना जो है वो सिंगिंग में है, कितने डांसिंग में, जैसे मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट आपके क्लास में कितने हैं, 40 स्टूडेंट, वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 स्टूडेंट टोटल हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 40 हो गए। अब इसमें से जैसे इसमें से 1/1/2 या 1/3 वो क्या ले रहे हैं, वो रनिंग में भाग ले रहे हैं, और 1/3 जो है वो जैसे 20 बच्चे क्या हैं, 20 स्टूडेंट क्या हैं, वो रनिंग में भाग ले रहे हैं, 20 स्टूडेंट वो क्या हैं, रनिंग, आर यू एन, 20 स्टूडेंट क्या है, रनिंग में हैं, 10 स्टूडेंट वो सिंगिंग में है, और 10 स्टूडेंट क्या है, डांसिंग में है। तो आप जैसे देखिए टोटल 40 है, तो रनिंग का फ्रैक्शन आप निकालेंगे, रनिंग का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 40 रनिंग का हो गया, तो इसका मतलब 1/2 क्या हो गया, 1/2 रनिंग का हो गया। सिंगिंग का क्या हो जाएगा, 10/40, जैसे रनिंग का फ्रैक्शन कितना होगा, रनिंग
स्टूडेंट रनिंग स्टूडेंट का 20 स्टूडेंट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और टोटल कितना है 40 है, 20/40 तो 0 कट गया, और 2 1 2 2 2 4 कितना फ्रैक्शन हो गया 1/2। चाहे तो आप इसका वो भी यही निकाल सकते हैं, इसका जैसे मल्टीप्लाई 360 कर दीजिए, 360 कर दीजिए तो 2 1 2 और 1 बचा, 2 8 16 180 का क्या हो गया, वो रनिंग का बन गया, 180 डिग्री का रनिंग का बन जाएगा, 180 रनिंग का बनेगा। और फिर जैसे वो सिंगिंग का है, सिंगिंग स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का अगर निकालेंगे तो ये कितने हैं, 10 है, 10/40 है, इसको कर देंगे तो 1/4 हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई 360 आपने कर दिया, 360 कर दिया, 4 9 36 90 डिग्री का हो गया। और डांसिंग स्टूडेंट कितने हो रहे हैं स्टूडेंट, तो ये भी 10/40 कर देंगे, कार इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई 360 हो गया, ये भी 90 का हो गया। तो अगर अब आपको इसको पाई चार्ट में दिखाना होगा, जब पाई चार्ट में दिखाना होगा तो क्या करेंगे आप, ये एक कोई भी रेडियस का आप एक सर्किल खींच लेंगे, कंपास की सहायता से आप एक सर्किल खींच लेंगे और उसका रेडियस आप मिला दीजिए, कोई भी रेडियस चाहे जिधर से भी आप बनाना शुरू करिए। ये आपने एक रेडियस खींच दिया, जैसे ओ ये सेंटर होता है, इसको ओ ए से आप दिखाते हैं, या कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं। तो हमको 180 का दिखाना है वो रनिंग का, तो 180 अब 180 इस पर जो होता है आप 180 स्ट्रेट लाइन होती है, 180 का जब आप इस पर बनाएंगे तो 180 हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो 180 यहीं पर मिलेगा आपको, ये 180 है तो 180 हमने इसको बढ़ा दिया तो ये 180 हो गया रनिंग का। यहाँ पर आप लिखेंगे रनिंग और फिर ये 180 का है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 स्टूडेंट्स आप यहाँ दिखा देंगे। फिर आपको इस पर कितना बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, तो आप इसके इस पर क्या करेंगे, जो आप लाइन अभी खींचे हैं इस पर आप जैसे ये है ना, इस पर ये है सेंटर, है सेंटर आपको पता होना चाहिए, सेंटर से ही आप खींचेंगे, सेंटर से 90 डिग्री का आप क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एक रेडियस खींचेंगे लाइन सेगमेंट, और ये क्या होगा 90 डिग्री का, ये सिंगिंग है और डांसिंग का हो जाएगा, एक तरफ सिंगिंग और इसमें क्या हो जाएगा डांसिंग का, और ये क्या हो जाएगा, ये 20 स्टूडेंट, ये 10 स्टूडेंट्स और ये भी 10 स्टूडेंट्स हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब जितना ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पाई चार्ट आप बनाना सीख जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पाई चार्ट बनाने में मदद करेगा, और आप एक्सरसाइज इसमें जो दिया गया है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।